मैं आप लोगों को आज आपकी पाठ्यपुस्तक उत्कर्ष का लेसन नंबर सेकंड यानी पार्ट दो पढ़ाऊंगा। चैप्टर का नाम है आपका वृक्ष हमारे मित्र। व्हाइट बोर्ड पे भी आपका लिखा हुआ है, सारे बच्चे वृक्ष हमारे मित्र चैप्टर खोल लें बुक में। ये चैप्टर है आपका अब मैं इसको आपको पढ़ूंगा और उसका अर्थ आप लोगों को बताऊंगा। सभी लोग बुक में देखते रहे। हमारी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से भरी पड़ी, इसलिए हम सब पृथ्वी पर जीवित हैं। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज पेड़ पौधों की पूजा करते थे। पीपल, वट वृक्ष, तुलसी आदि को आज भी पवित्र माना जाता है और उनका पूजन किया जाता है। अर्थात हमारे इस पूरे वायुमंडल में बहुत से प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं जो हमको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ का लाभ पहुंचाते रहते हैं, चाहे वो औषधि के रूप में हो या हम उनकी पूजा भी करते हैं। जैसे आप लोगों के गांव के घरों में आसपास पीपल का वृक्ष होगा, वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ होगा, इसकी हम लोग पूजा करते हैं। तो आपका चैप्टर यही कह रहा है कि चैप्टर का आपका मेन जो टॉपिक है वही है वृक्ष हमारे मित्र, अर्थात वृक्ष जो है वो हमारे मित्र के तरीके के होते हैं। वही कह रहा है कि प्राचीन काल से यानी पुराने समय से आज तक चला आ रहा है कि हम उन पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, चाहे वो पीपल का वृक्ष हो, चाहे वो वट वृक्ष यानी आपका बरगद का पेड़ हो या फिर तुलसी हो, आदि सभी आज भी पवित्र माना जाता है और उनको पूजा जाता है। आगे देखते हैं, नीम का वृक्ष तो स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में एक वृक्ष की महिमा 10 पुत्रों के यश के बराबर मानी गई है, अर्थात नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष चाहे उसकी पत्ती हो, चाहे उसका तना, तने को गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा मंजन की जगह पर दातून, नीम की दातून का प्रयोग किया जाता है, उनकी पत्तियों को उबाल कर पिया जाता है। जैसा कि आजकल इस समय चल रहा है कोरोना महामारी, तो उसमें भी नीम की पत्तियां बहुत हद तक लाभकारी मानी गई है पुराने समय में। यही इसीलिए कहा गया है कि एक वृक्ष लगाने से 10 पुत्रों के बराबर यश बराबर माना गया है दोनों लोगों को, चाहे 10 पुत्र हो या फिर आपका एक वृक्ष हो। आगे देखिएगा सेकंड पैराग्राफ, वृक्ष हमें वायु प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन। वायु मतलब ऑक्सीजन जिससे हम जीवित हैं। अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम क्या होगा, मर जाएंगे। वृक्षों से प्राप्त होने वाली शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सांस लेने के बाद जिस अशुद्ध वायु को हम छोड़ते हैं उस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अर्थात जो पेड़ हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं उसको हम अंदर लेते हैं और जो हम गैस बाहर निकालते हैं उस गैस को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग वृक्ष अपना भोजन बनाने में करते हैं। आगे देखिएगा, पेड़ पौधे इसी दूषित वायु को ग्रहण करते हैं, इस प्रकार हमारे चारों ओर के वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखने में ये भोले भाले और परोपकारी पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र और सहायक हैं, जो हमको इतना कुछ सब कुछ दे रहा है, चाहे वो औषधि हो, शुद्ध वायु हो जिंदा रहने के लिए, इस जीवन में जीवन को जिंदा रखने के लिए वायु हो जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो हमारी मदद करते हैं वो हमारे क्या होंगे, मित्र होंगे, हमारे सहायक होंगे। आगे देखिएगा, वृक्ष हमारे लिए आवश्यकता की चीजें भी जुटाते हैं। हम जिन भव्य भवनों में रहते हैं उनके निर्माण के लिए लकड़ी भी हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती है।
इनकी लकड़ी से ही सुंदर फर्नीचर, कुर्सियां तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाती हैं। जैसे आप घर में रहते हैं, घर में आपके बेड होगा, तखत होगा, कुर्सी होगा, फर्नीचर होगा, अलमारी होगी, वो सब काहे की बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। ये लकड़ी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? हमारे वृक्षों से प्राप्त होती है। या फिर आप विद्यालय में पढ़ते हैं, विद्यालय में आपके फर्नीचर होगा, डेस्क होगी, बेंच होगी, जिस पे आप लोग बैठ के पढ़ते हैं, वो भी सब काहे की बनी होती है? लकड़ी की बनी हुई होती है। जो भवन बनते हैं, इसमें कहा गया है कि वृक्ष हमारे लिए चीजें भी जुटाते हैं। जो भवन अर्थात जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें बनती हैं, उनको सजाने में भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। वृक्षों से हमें छाया, स्वादिष्ट फल भी मिलते हैं। छाया अर्थात जब हम कभी कहीं जा रहे होते हैं और गर्मी का मौसम, जैसे समय गर्मी का मौसम चल रहा है, तो कहीं रास्ते में पेड़ मिलता है तो हम क्या होते हैं, कहते हैं थोड़ा सा हम आराम कर लें। आराम मतलब छाया, उसी पेड़ की ही ये देर है जो हम रास्ते में रुक कर 2 मिनट आराम यानी छाया में बैठ के सांस लेते हैं आराम की। और स्वादिष्ट फल, तरह तरह के फल, जैसे चाहे वो मौसमी फल हो, जैसे अभी आपका आम का ही सीजन चल रहा है, तो मौसमी फल हो या अन्य फल हो, फल जैसे आपके पपीता हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, ये सारे फल हमको कहाँ से मिलते हैं? हमारे पेड़ पौधों से मिलते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी इन वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। वृक्षों से हमें अनेक सुगंधित फूल भी मिलते हैं जिनसे इत्र व तेल आदि तैयार किया जाता है। यानी जो पेड़ों के पुष्प होते हैं, इससे इत्र, यानी जिसको इत्र को जो है सेंट, जो आप लोग सेंट कहते हैं, बॉडी लोशन, सॉरी बॉडी स्प्रे, तो ये सब काहे से बनता है? उन्हीं फूलों से ही बनता है। सुगंधित यानी जिसे कहते हैं सेंट, बहुत अच्छी है खुशबू, इसको कहते हैं आप लोग। फिर आगे पढ़ते हैं, साथ ही जीवन की रक्षा करने वाली अनेक जड़ी बूटियां भी इन्हीं वृक्षों से ही प्राप्त होती है। अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां जिसको आयुर्वेद कहते हैं, जैसे जो आपका कोई भी बीमारी हो, वो आयुर्वेद जड़ी बूटियां बहुत ही कारगर है। जैसे आपके अभी भविष्य में चल भी रहा है आयुर्वेद, बाबा रामदेव जी इनकी बनाई हुई जड़ी बूटियां, सारी जो भी दवाई इनकी एक से अच्छी दवाई बन रही है, सब में क्या यूज किया जा रहा है? सब जड़ी बूटियां यूज की जा रही है। फिर आगे बात करते हैं, ये जड़ी बूटियां बहुमूल्य औषधियां बनाने में भी काम आती है। वही हमने कहा कि औषध पेड़ पौधों से औषधियां बनाने में उनका प्रयोग किया जाता है। अनेक उद्योग धंधे भी इन वृक्षों के सहारे चलते हैं। वृक्ष बादलों को अपनी ओर खींच कर वर्षा कराते हैं। यदि वृक्ष ना हो तो समय पर वर्षा नहीं होगी और अकाल पड़ जाएगा। यानी एक समय जब आएगा वृक्ष आपके काटे जाएंगे, जैसे जिस प्रकार आज के युग में वृक्षों को काटा जा रहा है, अगर इसको रोका ना गया तो एक समय ऐसा आएगा कि वृक्ष, कहते हैं कि वृक्ष जो है वर्षा करवाने में सहायता प्रदान करते हैं, तो वृक्षों के कटान को रोका ना गया तो एक समय आएगा कि आपकी वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो अनाज यानी अन्न, गेहूं, चावल जो हम आप खाते हैं वो हमको नहीं मिलेगा और अकाल पड़ जाएगा। तब सब प्राणियों के लिए जीवन संकट उत्पन्न हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो जीवन जीने में संकट, बहुत सी कठिनाइयां आने लगेंगी। परंतु दुख का विषय है, आगे आपका लास्ट पैराग्राफ है, परंतु दुख का विषय है कि अपने तथा वृक्षों दोनों के ही हित अहित का विचार किए बिना मनुष्य वृक्षों को अंधाधुंध काटता जा रहा है। वृक्षों के अंधाधुंध कटान पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि इस कटान को यदि रोका ना गया तो आगे आने वाला समय बहुत ही कष्टदायी होगा। जीवन जीने में बहुत से संकटों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो पीने योग्य पानी हो आपका, या फिर औषधि के रूप में हो, या फिर अन्न उगाने के लिए पानी की आवश्यकता हो, सारी चीजें कई प्रकार से। तो जो हमको इतनी सहायता देते हैं, इतनी हमको मदद करते हैं, वो सारे के सारे कौन लोग होते हैं? हमारे मित्र होते हैं, हमारे सहायक होते हैं। जैसे आपकी, जैसे भी इस पाठ्य पुस्तक में ये भी बताया गया कि पीपल के वृक्ष
ऐसा पेड़ है, एक वृक्ष है जो सबसे ज्यादा मात्रा में हमको ऑक्सीजन देता है, जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। अब इस चैप्टर में जो भी आपके कठिन शब्द हैं वो सभी लोग चैप्टर का नाम किसी तरह लेकर कॉपी पर कठिन शब्द, जो भी कठिन शब्द आपको लगे उनको आप लिख लीजिए, उनका अर्थ अगर समझ में आ रहा